दवा निर्माता कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल द्वारा लागू की जा रही नीतियों के विरोध में प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के सदस्यों ने मंडी शहर में रोष रैली निकालकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। एमआर एसोसिएशन का आरोप है कि दवा निर्माता कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करके कर्मचारियों से अनैतिक व्यवहार कर रही है, जो कि सही नहीं है। एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तरह तरह की मीटिंग और अन्य कार्यों के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों को नहीं मान रहा है तो फिर उसका तबादला किया जा रहा है या फिर तनख्वाह रोक दी जा रही है। एसोसिएशन ने प्रदेश और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। हम इस मंडी सेरी मंच पे जितने भी साथी सड़कों पे उतरे हैं, ये एक दवा कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा जो हमारे साथी हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल जेएंड के अंदर, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और अनएथिकल प्रैक्टिस जो है अडॉप्ट करके हमारे साथियों को हरास किया जा रहा है, उनकी ट्रांसफ़र्स की जा रही हैं। अगर उनकी पॉलिसीज़ को ना माने तो उनकी ट्रांसफ़र विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हम इस मंच से कैडिला मैनेजमेंट को ये आगाह करते हैं कि इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बंद किया जाए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हम आज सड़कों पे उतरे हैं, हम मैनेजमेंट का घेराव भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश एमआर एसोसिएशन के जिला सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करवा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में बेहतर निर्णय लिए जा सके। कैडिला की मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई है, कर्मचारी विरोधी पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के खिलाफ है। इन पॉलिसीज से ना तो एक व्यावसायिक माहौल बन रहा है, ना एक काम करने का माहौल बन रहा है। इन पॉलिसी से जो इनके कर्मचारी हैं उनमें एक भय का माहौल है कि ना जाने कब हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, कब हमारी टर्मिनेशन हो जाए। तो कैडिला मैनेजमेंट से हम इस मंच के माध्यम से यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि उन सभी पॉलिसीज़ का पूर्ण समीक्षा की जाए और जो इम्प्लॉई के हित में, जो कर्मचारी के हित में पॉलिसीज हैं उन्हें लागू करो, बाकी जो कर्मचारी विरोधी हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे कि कंपनी को भी फायदा हो और कर्मचारी भी अपना परिवार पाल सके।